आज हम लोग समझने वाले हैं एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच के डिफरेंस को और दोनों के बीच के रिलेशन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव दोनों आपस में इंटर रिलेटेड भी होते हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस भी होते हैं, और ये डिफरेंस इतना कम होता है कि काफी समय तक काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या एडजेक्टिव है। इसी डिफरेंस और उनके इंटर रिलेशन को क्लैरिफाई करने के लिए आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। आइए देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक सेंटेंस लिया है। सब लोग जानते हैं बीरबल वाज ए वाइज मैन। बीरबल अभी से लंबे समय पहले हुए, फिर भी अभी तक हम लोग उन्हें याद करते हैं दैट बीरबल वाज अ वाइज मैन। बीरबल एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे। तो बीरबल में ऐसी कौन सी वर्च्यू थी जिसकी वजह से हम उन्हें वाइज कहते हैं? वो वर्च्यू थी, वो बीरबल में जो वर्च्यू थी उस वर्च्यू के नाम को, उस गुण के नाम को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल बीरबल वाज ए वाइज मैन इज सेड टू बी वाइज बिकॉज ही हैड विजडम। ए मैन इज सेड टू बी वाइज अगर उसके अंदर गुण हो विजडम का। सिमिलरली लेट अस सी द सेम एग्जांपल। हम लोग हमेशा रोज फ्लावर होता है, रोज फ्लावर के बारे में बोलते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर। ब्यूटीफुल क्यों बोलते हैं उसे? क्योंकि उस फ्लावर में एक वर्च्यू होता है, एक गुण होता है, उसका जो इंटरनल वर्च्यू होता है वो होता है ब्यूटी। तो जिस किसी में भी ब्यूटी होगी उसे हम लोग कहते हैं ब्यूटीफुल। अगर किसी आदमी में ये वर्च्यू होगा ब्रेवरी का वर्च्यू होगा तो हम उसे कहेंगे ब्रेव। अगर कोई आदमी ब्रेव है तो उसके अंदर कौन सा वर्च्यू है? ब्रेवरी। सिमिलरली हम लोग किसी भी आदमी को एंग्री बोलेंगे अगर उसके अंदर एंगर है। उस आदमी में जो वर्च्यू है उस वर्च्यू का नाम है एंगर। तो हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अबाउट द एक्सटर्नल क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ये आदमी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो आदमी एंग्री है। तो इसका एंग्री होना क्या है? इसका एक्सटर्नल क्वालिटी है। एडजेक्टिव क्या बताता है? उसके एक्सटर्नल क्वालिटी को बता रहा है। एंड व्हाट इज द इंटरनल वर्च्यू? उस आदमी में क्या है? दैट इंटरनल वर्च्यू इज एंगर। सो एडजेक्टिव टॉक्स अबाउट द एक्सटर्नल क्वालिटी। एडजेक्टिव बताता है ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल क्वालिटी के बारे में, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता है हमें उसके इंटरनल वर्च्यू के बारे में। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ सामने आएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं? क्या हमें बिल्कुल उसके एग्जैक्ट वर्ड को याद रखना होगा, या कोई तरीका है समझने का कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन होता है एडजेक्टिव से, वर्ब से, या सफिक्सेस का यूज करके। सफिक्स क्या होता है? आप लोगों को याद होगा कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में कुछ ऐड होकर के उसके मीनिंग को चेंज कर सकता है तो उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। और अगर कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ड के पहले आके उसके मीनिंग को चेंज कर सकता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले। जो पहले आकर के, जो किसी वर्ड के पहले आके फिक्स हो जाए और उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर दे उसे हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। और जो किसी वर्ड के लास्ट में ऐड होकर के उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है उसे हम लोग कहते हैं सफिक्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड्स तीन तरह से बनाए जाते हैं, एडजेक्टिव की मदद से, वर्ब्स की मदद से,
और सफिक्सेस का यूज करते हैं। एक एक करके हम लोग इन तीनों ही तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेशन को समझेंगे। फर्स्ट टाइम फ्रॉम एडजेक्टिव्स, यहां मैंने कॉलम बना दिए हैं, ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं और यहां आपने देखना है एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। इसमें बहुत सारे वर्ड तो आपको याद होंगे, मैंने तो सिर्फ उसे रिपीट करना है और रिवाइज करवाना है, मैंने सिर्फ आपको रिकॉल करवाना है। ये सारे ऐसे वर्ड हैं और इससे बनने वाले ये जो एब्स्ट्रैक्ट हैं वो ऐसे वर्ड हैं जिसे हम लोग हर दिन अपने लाइफ में कम से कम 10, 20 या 50 बार तो याद कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंट, किसी काम की क्वालिटी होती है अर्जेंट, बहुत जरूरी काम है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके अंदर जो वर्च्यू है वो क्या है, अर्जेंसी। डीप, अगर एडजेक्टिव है डीप तो उसके अंदर इंटरनल वर्च्यू क्या होगा, डेप्थ। कोवार्ड, कोवार्ड से एक वर्ड बना कोवार्डिस। इनोसेंट से एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड बनेगा इनोसेंस। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ। ब्रेव, ब्रेवरी। ये सारे वर्ड बहुत ही इजी हैं और बहुत ही कॉमन है जो कि हम लोग हर रोज यूज करते हैं। सिमिलरली पॉपुलर, पॉपुलरिटी। वेन, वैरिटी। ट्रू, ट्रूथ। बोल्ड, बोल्डनेस। वाइड, विथ। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कौन से वर्ड से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, अर्जेंट लीड्स टू अर्जेंसी, डीप लीड्स टू डेप्थ। लीड्स टू, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब है डीप बनने का कारण, डीप कैसे बना, डेप्थ से, या डीप से क्या बना, डेप्थ। अर्जेंट लीड्स टू अर्जेंसी, अर्जेंट से बना अर्जेंसी, डीप लीड्स टू डेप्थ। कोवर्ड लीड्स टू कोवर्डिस, इनोसेंट लीड्स टू इनोसेंस, ऑनेस्ट लीड्स टू ऑनेस्टी, स्ट्रॉन्ग लीड्स टू स्ट्रेंथ, ब्रेव लीड्स टू ब्रेविटी। इन द सेम मैनर पॉपुलर लीड्स टू पॉपुलरिटी, वेन लीड्स टू वैनिटी, ट्रू लीड्स टू ट्रूथ, बोल्ड लीड्स टू बोल्डनेस, वाइड लीड्स टू विथ। अब आप इसे एक मिनट के लिए पॉज करेंगे, अच्छे से अपने पेपर पे नोट करेंगे और उसे अपने आप करके देखेंगे आपको कितना याद है। अब मैंने इन सारे एडजेक्टिव वर्ड के सामने उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख दिया है, कौन से एडजेक्टिव से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट वर्ड बना। आपने अपना होमवर्क कर लिया, अब आप इसे कंपेयर करें और देखें कि आपने कितने सही बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से हर किसी ने 100% करेक्ट बनाया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेशन के दूसरे तरीके पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं वर्ब से। सम ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स। आई हैव रिटन सम वर्ब्स ऑन द बोर्ड, यू कैन सी इन टू कॉलम्स, एंड ऑल द वर्ड्स written on the board leads to formation of some abstract noun. For example, attend leads to attendance, judge leads to the formation of abstract word judgment, choose से choice बनता है, hate से hatred, protect से protection बनता है, select से selection बनता है, act से action, laugh leads to laughter, obey leads to obedience. Similarly, admit leads to admission, promote leads to promotion, know leads to knowledge, move leads to movement, invent leads to invention, and break leads to breakage.
अगर आपने अच्छे से अभी ध्यान से अगर इस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये सारे वर्ड याद हो गए होंगे। आइए चेक कर लेते हैं। अभी आपको बोर्ड पूरे नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखेंगे, हर एक वर्ड को नोट करेंगे और आपने जितना जितने भी वर्ड आपको याद हुए हैं उन सबके एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लिखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने बोर्ड पे मैंने सारे वर्ड्स से बनने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लिख दिए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, एक एक वर्ड करके अपने आंसर के साथ मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे और आप चेक करेंगे कि आपके कितने सही जवाब बने हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन 100% राइट। यू आर लर्निंग वेल, कैरी ऑन। कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, एक्चुअली गलतियां नहीं होती, आप लोगों को बताते हुए कभी कभी कुछ बातें अचानक आउट ऑफ माइंड होती हैं या हम लिखना भूल जाते हैं। मैं आपसे बातें करने में ऐसा मशगूल हो जाता हूं कि मैं उसे लिखना ही भूल गया। जैसे मैंने बताया थे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेशन के तीन तरीके हैं, एक्चुअली ये चार है। मैं कॉमन नाउन बताना भूल गया था आपको, आप इसे मॉडिफाई कर लीजिए अपनी कॉपी में, जहां आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे एक फोर्थ मेथड भी लिख लेंगे कॉमन नाउन, क्योंकि अभी हम इसके ठीक बाद हम लोग करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले मैंने बताया था एडजेक्टिव से बनता है, वर्ब से बनता है और सफिक्सेस का यूज करके बनता है। चार मेथड है, एडजेक्टिव से बनता है, वर्ब से बनता है, कॉमन नाउन से बनता है और सफिक्सेस का यूज करके बनता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन। आपके सामने हमने लिखे हैं कुछ कॉमन नाउन, कुछ कॉमन नाउन वर्ड्स, स्लेव, मदर, ब्रदर, चाइल्ड, फ्रेंड, गर्ल, बॉय, मैन, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ऐसा नहीं कि यही सारे हैं, दिस इज नॉट ऑल, अभी बहुत सारे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को 100 एब्स्ट्रैक्ट नाउन भेजा था, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कितने होते हैं इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, इनका कोई लिमिटेड नंबर नहीं है। ये मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं ये सब बताने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्लेव लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लेवरी, मदर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मदरहुड, ब्रदर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रदरहुड, चाइल्ड से बनेगा चाइल्डहुड, फ्रेंड से बनेगा फ्रेंडशिप। तीन और वर्ड है आपके सामने, गर्ल से बनता है गर्लहुड, बॉय से बनता है बॉयहुड एंड मैन, मैन से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, यस यू हैव अंडरस्टूड, मैनहुड। तो इसके बाद वीडियो को पॉज कर लें, इन सारे वर्ड्स को आप अपने कॉपी में नोट करें और फिर मैंने जो अभी अभी आपको बताया और कुछ आपको याद होगा पहले से, या हो सकता है आपको पहले से सारे वर्ड याद हो, तो वीडियो को पॉज करके पहले उसे देखिए और फिर उसे कंपेयर करके चेक कीजिए। आपके लिए मैंने हर एक वर्ड से, हर एक कॉमन नाउन वर्ड से फॉर्म होने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड पे लिख दिए। अब आप फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, इन्हें कंपेयर करके देखिए और अगर आपने एट वर्ड्स करेक्ट लिखे हैं, एट आउट ऑफ एट आपने अगर करेक्ट किया है तो मैं समझूंगा कि मैंने जो आपको बताया, मैंने जो आपको समझाया उसका कोई फायदा है और मेरी मेहनत काम कर रही है, आप सीख रहे हैं और मैं फिर आपके लिए ऐसे वीडियो और बनाता रहूंगा।